मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम सोयाबीन की बड़ी रहता है उसी की सब्जी बनाने वाले हैं। और प्रायः घर में कभी सब्जी नहीं रहता है या मार्केट में सब्जी नहीं मिलता है, लॉकडाउन के पीरियड चल रहा है, कर्फ्यू लगा है, तो इस तरह से सब्जी बढ़िया बना के खाया जाता है। तो देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे पहले एक कटोरी सोयाबीन लिए हैं और 3 उबला हुआ आलू लिए हैं, ये थोड़ा से आधा चम्मच सरसों है और आधा चम्मच जीरा है, और 3 पका हुआ बड़ा टमाटर है, 3 टमाटर को काट के ले ली हैं, और 2 प्याज लिए हैं, और ये तेज पत्ती लिए हैं छोटे छोटे 2 है, फिर 2 हरी मिर्ची लिए हैं, छोटा से अदरक का टुकड़ा है, और 5-6 कली लहसुन का ले लिए हैं, थोड़ा से हरा धनिया पत्ती काट के लिए हैं, और एक कसूरी मेथी है थोड़ा से, करीब 1 चम्मच है ये, और स्वाद अनुसार नमक लिए हैं, फिर 1 चम्मच ये गरम मसाला है, 1 चम्मच ये कसूरी लाल मिर्ची है, ये तीखा नहीं रहता है ज़्यादा, फिर आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1 चम्मच ये धनिया पाउडर है। और इस तरह से देखिए सब्जी बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल ले लिए हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस तरह से कढ़ाई ले लिए हैं और उसमें पानी डाल दिए हैं, पानी का थोड़ा से इसको गर्म करना है, और पानी थोड़ा गर्म हो गया है तो इसमें ये सोया बड़ी है इसको डाल देते हैं। थोड़ा से मैं गर्म पानी में फुलाती हूँ तो ये जल्दी से फूल जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, और इसी में थोड़ा से नमक डाल देना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है ताकि नमक अंदर तक चले जाए। थोड़ा से गर्म पानी में इसको डालने से ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और बहुत बढ़िया फूल जाता है, तो इसको थोड़ा देर के लिए गर्म पानी में डाल दिए हैं, बिल्कुल इसको उबाल के नहीं करना है, बस थोड़ा से गर्म पानी में डालना है। जब तक हमारा सोया फूल के तैयार हो रहा है तब तक से क्या करते हैं, ये प्याज है, प्याज को इसमें मिक्सी में डाल लेते हैं, इसके बाद फिर ये लहसुन, हरा मिर्चा और अदरक है, इसका फाइन पेस्ट बना के ले आते हैं। ये देखिए ये हमारा इस तरह से देखिए फूल गया है, पूरा पूरा फूल गया है, और जल्दी फूल जाता है कुनकुना पानी में इसको डालने से, कुनकुना, और इसको ऐसे निचोड़ के इस तरह से देखिए, इसका पानी को इसी तरह से पूरा निचोड़ के रख लेना है, ये देखिए पूरा को इसी तरह निचोड़ के रख लेते हैं। पहले लहसुन प्याज को इस तरह से देखिए पेस्ट बना लिए हैं, बारीक पीस लिए हैं, उसके बाद टमाटर को भी इस तरह से उसको भी बारीक पीस लेना है, और उसके बाद आलू है, ये उबला हुआ आलू है हमारा, इसको इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा पीस में काटना है इसको, तो काट लिए हैं। चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इस तरह से एक कढ़ाई ले ली है, इसमें थोड़ा से तेल थोड़ा ज़्यादा अभी डाल रही हूँ मैं, इस तरह से देखिए तेल को गर्म होने देते हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसी में सोयाबीन का बड़ी है इसको इसी में फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा देर धीमी आंच में इस तरह से भूनते रहना है, और इसको थोड़ा से अच्छी तरह से भूनने पर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये, तो इसीलिए थोड़े से इसको चलाते हुए भूनना है लगातार। इसको इस तरह से देखिए लगातार इसको चलाते हुए फ्राई करना है, और ये अब गोल्डन ब्राउन, हल्का ब्राउन करना है इसको, एकदम ज़्यादा भी इसको नहीं भुनना है, एकदम ज़्यादा भुनने से क्या हो जाता है ये सॉफ्ट नहीं रहता है, तो बस अब हमको इसी तरह से भुनना है, और इसको अलग बर्तन में पहले निकाल के रख लेते हैं। उसके बाद सेम कढ़ाई में और थोड़ा से तेल डालना है, और ये आलू है इसको भी थोड़ा से भून लेते हैं। धीमी आंच में आलू को भी भूनना है, ये देखिए आलू भी हमारा थोड़ा से भून के तैयार हो गया है, इसको भी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा से और तेल डालना है मसाला भूनने के लिए,
और इसके बाद फिर सबसे पहले डालते हैं, ये तेज पत्ता लिए हैं उसको डालते हैं। इसके बाद ये जीरा है और सरसों है, इसको भी डालना है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा से कसूरी मेथी को तुरंत तेल में डालती हूँ, क्योंकि ये भुना हुआ कसूरी मेथी नहीं है, तो तेल में थोड़ा डालने से बहुत ही बढ़िया उसको स्वाद आता है। इसके बाद तुरंत इसको डाल देना है। ये प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाए थे, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से थोड़ा से भूनना है। अभी भून लिए हैं, इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर को डालना है, और इसके बाद फिर ये धनिया पाउडर है इसको भी डालना है। इसके साथ सब मसाला भून जाएगा, और ये साथ में ये लाल मिर्च है, ये जो तीखा नहीं रहता है, सबको एक साथ डालने से सभी मसाला एक साथ भून जाएंगे। तो थोड़ा देर इसको भूनना पड़ता है प्याज, क्योंकि अच्छी तरह से नहीं भुनाता है तो मसाला का स्वाद नहीं आता है। प्याज का कच्चापन दूर करने के लिए इसको अच्छी तरह से भूनना ही पड़ता है। मसाला हमारा देखिए बढ़िया भून के तैयार हो गया है, तो इसी में टमाटर का प्यूरी बना के रखे थे इसको डालना है, और टमाटर को भी भूनना है अभी बढ़िया से। सब्जी का स्वाद तभी आता है जब ये मसाला अच्छी तरह से भूनते हैं। और इसके बाद इसी में बचा हुआ नमक को डालते हैं। नमक को ध्यान से डालना है, क्योंकि सोयाबीन में भी नमक डला है। इसके बाद इसको थोड़ा ढक के पकाना है। इस तरह से देखिए थोड़ा देर के बाद इसको निकाल के चलाना रहता है, नहीं तो नीचे बैठ जाता है। मसाला हमारा भुना गया है। अब इसमें टमाटर पीसे थे उसी में पानी थोड़ा डाले थे उसको डाल दिए हैं मिक्सी को धो के, और अभी थोड़ा से और पानी डालना है इसमें। बस इतना ही पानी डालना है। ये सब्जी थोड़ा ग्रेवी वाली सब्जी है, इसलिए थोड़ा से इसमें पानी डालना पड़ता है। इसके बाद ये सोयाबीन का बड़ी है इसको डाल देते हैं, और इसके बाद फिर ये आलू को डालते हैं। तो इसमें से थोड़ा से पीस को रख लेते हैं, ये 6-7 पीस को, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। और ये गरम मसाला है इसको डाल देना है। अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, क्योंकि अभी से गाढ़ा रखेंगे तो सोयाबीन पानी अपने अंदर सोख लेता है, तो इसमें थोड़े से और पानी डालना है। इसमें थोड़ा से और पानी डाल दिए हैं ताकि ये अच्छी तरह से पके, और इसको ढक के अभी पका लेना है। इसके बाद ये थोड़ा 2-4 पीस आलू रखे हैं, इसको क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए, ये रहा, और ये आलू के पीस है, इसको थोड़ा से इस तरह से थोड़ा मैश कर देते हैं पहले। इस तरह से देखिए थोड़ा मैश कर ले रहे हैं, ये देखिए इसको मैश करके डाल दिए हैं। इससे क्या है ग्रेवी बढ़िया गाढ़ा बन के तैयार होता है। इसको थोड़ा देर पकने देते हैं। ये देखिए इसको 10 मिनट पकाने के बाद सब्जी बन के तैयार हो गया है। ये इसी तरह से थोड़ा रसेदार से इसको सब्जी को बनाने से बहुत ही टेस्टी लगता है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। थोड़ा से रसा इसमें रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर इसका रस को ये सोख लेता है। और इसमें धनिया पत्ती थोड़ा डाल देते हैं, कटा हुआ धनिया पत्ती है। इसके बाद फिर इसको सर्व कर लेते हैं। इस तरह से देखिए सोयाबीन और आलू की सब्जी बन के तैयार हो गया है। जब घर में कुछ सब्जी ना हो तो इस तरह से बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी घर में बना के खाना चाहिए। आप लोग भी इस तरह से बनाएं, ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा रहता है, विटामिन की मात्रा रहता है, तो इस तरह आप भी खाएं, बच्चे लोग को भी इस तरह से सब्जी बना के दें। और सब्जी पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।